तो भाई क्या हाल है आज भाई। हम यहाँ से जा रहे थे तो हमें ना हमारे एक भाई साहब मिले जिनका नाम हरविंदर सिंह है और ये 25 किले की भाई खेती करते हैं। इनसे बात करेंगे भाई, 25 किले खेती करते हैं, कौन से ट्रैक्टर ये चलाते हैं और भाई इनके क्या विचार हैं आजकल खेती को लेके। हाँ इंदर सिंह, गांव हरिकोट, जी BPO, जिला हिसार, हरियाणा। अच्छा, हाँ जी। कितने किले खेती करते हो आप? मैं 25 किले ही खेती करता हूँ। अच्छा, तो आपके क्या विचार हैं आजकल खेती को लेकर अगर बात करें तो आपसे? देखो जी, खेती ठीक है, अच्छा साधन है वैसे तो, लेकिन थोड़ी सी और सहूलियत मिले ना इसमें, जैसे बिजली पानी की, वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, हाँ जी। जो नहीं मिल रही आपको? हाँ जी, बिजली की नहीं दिक्कत है जी, बिजली काफ़ी। अच्छा, हाँ जी। आपके जहाँ पे आपने खेत है ये आपके? हाँ जी, जो यहाँ पे जो AP लेन है ना, जो आपने खेत के लिए यूज करनी है, हाँ, उसकी दिक्कत है जी यहाँ पे। हाँ जी। अच्छा, और खेती में कोई दिक्कत नहीं है जी, कैसे बस बढ़िया है काम है जी। अच्छा, कौन से ट्रैक्टर आपके पास? मेरे पास है जी फार्म ट्रैक 60 और एक आइसर कंपनी का। अच्छा, कौन से मॉडल है दोनों? ये एक 14 मॉडल है जी, एक 15 मॉडल है। अच्छा, क्या पुराने लिए थे क्या नए लिए थे? नए लिए थे जी। अच्छा, कैसे चल रहे हैं? सही चल रहे हैं? हाँ जी, ठीक। तो फार्म ट्रैक तो है जी 3 लीटर किले का खाता है, और आइसर को हम ट्राली में और इस पे PTO पे यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे खेत? हाँ जी। अच्छा, 25 किले आपके यहाँ पे? हाँ जी, ये फैक्ट्री की बाउंड्री है जी, साइड की तो नहर है। अच्छा, क्या बात। तो मुआवजा मिलता है आपको यहाँ पे, मतलब कोई फसल खराब होती है तो आपको मिल जाता है टाइम पे? कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। अच्छा, सभी किसान ऐसा बोल रहे, किसी को नहीं मिल रहा क्या? ये कुछ लोगों के आए हैं जी मुआवजे, बाकी सभी जमींदारा के नहीं आए, जिनको अब लगभग धान की फसल लगभग खराब हो गई थी बगैर मौसम के, बारिश हुई थी इससे काफी नुकसान हो गया। नरमा तो बिल्कुल डेड था ही, नरमे में तो कुछ नहीं। अच्छा, हाँ जी भाई, मुआवजा भी भैया को टाइम पे? हाँ जी, नहीं मुआवजा आया नहीं जी, गवर्नमेंट के काफी चक्कर काटे, कहते आ जाएगा कल आएगा, तो कोई नहीं जी आया नहीं टाइम पे भाई, अपने को मिला नहीं। और एक बिजली का प्रॉब्लम बोल रहे हो आपके यहाँ पे है? यहाँ पे जो खेत की लाइन है जी, वो खेत है भी नहीं आती। अच्छा, हाँ जी, बिजली की बड़ी दिक्कत। अच्छा, वैसे जो घर की लाइन है वो ठीक है। खाद बीज टाइम पे मिल जाता आपको? कई बोलते ब्लैक में मिलता है, कई बोलते खाद बीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ना जी। अच्छा, क्योंकि बोल रहे हमने बनाए भाई खाद बीज की वो आ रखी है शॉर्टेज भाई, देर तो ब्लैक में दे रहे हैं। कुछ भी नहीं है जी, हमने तो कट्ठा लेके रख लेते हैं, जितने का जितने एकड़ का चाहिए है पहले डाल देते हैं लेके। अच्छा, खाद में कोई दिक्कत नहीं है जी। वैसे ही अब जो एक दो जमींदार हैं उनको नहीं मिलती कई बार, इसमें उनको दिक्कत आती है जी, वही थोड़ा सा हवा फैल जाती है इसमें भाई, जमींदार को नहीं मिला। आपको टाइम पे मिल रहा है? हाँ जी, हमको तो जी कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ की। अच्छा, क्या बात। आपके गांव में कोई प्रॉब्लम है किसी प्रकार की जो भाई दूर होनी चाहिए आपके हिसाब से? गांव में कोई प्रॉब्लम है? हमारे गांव में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, बिजली है जी 24 घंटे लाइट है जी। अच्छा, क्या बात, तो बहुत बढ़िया। गांव लगभग 95% बिल पेड है जी। अच्छा, हाँ जी, बिजली का बिल 95% लोग भरते हैं। बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, थोड़ा सा बस गलियों का मेन सड़कें हैं थोड़ी सी गांव की। अच्छा, की थोड़ी सी दिक्कत है। अच्छा, गांव की भाई सड़के में प्रॉब्लम है, वैसे बिजली के रूप में? बिजली के रूप में कोई दिक्कत नहीं है जी, सब कुछ सही है जी, एजुकेटेड गांव है। अच्छा, मतलब स्कूल भी काफी बढ़िया पाएंगे फिर, है ना? बढ़िया स्कूल है जी, सारा माहौल गांव का बहुत अच्छा है, शहर जैसा माहौल। अच्छा, क्या बात है भाई। आखिरी में कुछ कहना चाहते हो जो देख रहे हैं आपकी वीडियो? तो ये कहूंगा जी, अच्छी सरकार है जी, बढ़िया बढ़िया जमींदारों की सुने, और गांव के ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास की कोई सहूलियत हो और भी ज़्यादा बेटर हो जाए। अच्छा, तो किसानों को बिजली पानी की थोड़ी सी दिक्कत ना हो इससे। अच्छा भाई, जो आपके आ रही है भाई, कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई इनको थोड़ी बिजली की दिक्कत है और भाई टाइम पे मुआवजा
वो नहीं मिल रहा है इनको, टाइम पे मुआवजा नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कोई अच्छा किस चीज की आ रही है जी। आप पे कितनी फसल खराब हो गई थी मुआवजे, अगर आपको उस टाइम पे नहीं मिला था मुआवजा? हाँ जी, मैंने जी नरमे के लिए 22 एकड़ नरमा बीजा था। अच्छा, 22 एकड़ के सारा खराब हो गया, सारा 22 एकड़ नरमा खराब हो गया था, तो उसका कोई कुछ नहीं आया जी। मेरे पास 65 किले की खेती है वैसे। अच्छा, 22-23 किले धान के थे, 25 किले। अच्छा, हाँ जी, अब वो आधे खराब हो गया ना उसमें? हाँ जी, आधे खराब हो गए जी। धान भी हमने समझो भी आधा नीचे गिर गया था, चैन वाली मशीन से कुछ निकाला, वो गिल्ला होके खराब हो गया। अच्छा, हाँ जी, ये समस्या है जी जमींदार की। थोड़ा वैसे तो सरकार ने कर रखा, ड्रेन वगैरह का काफी प्रबंध है, तो फिर भी चलो मौसम की वजह से दिक्कतें तो आती है, आती है भैया। चलो धन्यवाद भैया, आपने टाइम दिया। तो भाई बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज आप जो भाई साहब की प्रॉब्लम भाई उसको सॉल्व करें। इनको एक तो बिजली की प्रॉब्लम है, और भाई मुआवजे की तो भाई इनको प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन खाद बीज की बात करें उसमें इन्हें कोई शॉर्टेज आपको देखने को नहीं मिली है ना, टाइम टाइम मिला इनको। और भाई ये इनके विचार थे आज के टाइम पे अगर देखें तो, बताना कि आपको कैसे लगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और हाँ प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।